हेलो दोस्तों, मैं गौरव त्यागी आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल त्यागी स्टडी। हमने आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीईटी 2023 का सिलेबस। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही नंबर का पेपर होगा और इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। यह पेपर 5-5 नंबर के पोर्शन में बटा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है भारतीय इतिहास, इसके अंदर टॉपिक दिए हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म के अंदर गौतम बुद्ध, जैन धर्म के अंदर महावीर, मौर्य सम्राट में अशोक सम्राट, गुप्त वंश है हर्षवर्धन का काल है, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य है और मराठाओं का राज्य है, ब्रिटिश का उदय है। और सेकंड भाग में आएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आप देख सकते हैं। उससे अगले भाग में है दिया हुआ है भूगोल, भूगोल के अंदर जो टॉपिक है भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल में नदियाँ आ जाएंगी, घाटियाँ, पर्वत, भूजल, पर्वत, पहाड़ी, हिमनद, मरुस्थल, वन, खनिज, भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, इंडिया और विश्व के और जनसंख्या। इसके बाद अगला पार्ट आता है भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके अंदर 1947 से 1991 तक की है, 1991 का आर्थिक सुधार है और 2014 का आर्थिक सुधार है। इसके अंदर सिलेबस पूरा ध्यान से देखना है। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन दिया हुआ है, जिला प्रशासन भी दिया हुआ है और स्थानीय निकाय और पंचायत राज, ये अच्छे से पढ़ना है। सामान्य विज्ञान के अंदर भौतिक, रसायन और बायो तीनों दिए गए हैं। हमारे मैथ के इसके अंदर कुछ मैथ के भी टॉपिक हैं, जैसे कि संख्याएं, प्रतिशत, समीकरण है, घनमूल, वर्गमूल है, घातांक, कर्णी है, औसत है। कुछ टॉपिक हिंदी के दिए हुए हैं, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, मुहावरे, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और उनकी रचनाएं। इस पेपर में अंग्रेजी भी आएगी 5 नंबर की और ये है रीजनिंग, रीजनिंग में कर्म रैंकिंग है, वर्ग लघु है, संबंध है, कैलेंडर है, घड़ी है, कारण और प्रभाव है, कोडिंग डिकोडिंग है, जो मेन रोल अदा करती है इससे नंबर बढ़ते हैं वो है इसमें करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस यानी कि स्टैटिक जीके, ये दोनों 10-10 नंबर के आएंगे। स्टैटिक जीके में आपके भारत के पड़ोसी देश, राज्य, भारत की राज्य है केंद्र शासित प्रदेश, देश, राजधानी और उनकी मुद्राएं, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा की सीटें, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर, भारतीय पर्यटन, भारत की कला संस्कृति, भारत और विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, पुरस्कार और विजेता। और जलवायु परिवर्तन हिंदी में से 5-5 नंबर के 2 गद्यांश आएंगे हिंदी में, उनके सही उत्तर करने हैं आपको गद्यांश पढ़कर। और 2 आएंगी तालिकाएं यानी कि टेबल आएंगी बनी हुई, उनके क्वेश्चन सोल्व करने हैं, 5-5 नंबर की टेबल आएंगी, 10 नंबर के आएंगे और 10 नंबर का आएगा ग्राफ, 5-5 नंबर के 2 ग्राफ।
और 1/4 की होगी इसमें नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 25% की। आज की वीडियो को रखते हैं इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।